आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है सरकारी सब्सिडी से। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। सरकार ने कहा कि कृषि यंत्रों से पराली मैनेजमेंट करने पर किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान पराली मैनेजमेंट के लिए agrihariana.gov.in पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को पराली ना जलाने और उसके उचित इस्तेमाल के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग की ओर से अब तक पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। इस बार पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की व्यापक रणनीति तैयार की गई है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए धान की पराली का प्रबंधन और पराली को चारे के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। आगजनी की घटनाओं के लिए जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं फसल अवशेष जलाने वालों का नाम और पहचान समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा GPS के जरिए पराली जलाने के मामलों की पहचान प्रशासन को दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने उपमंडल अधिकारी की अगुवाई में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत ग्राम पंचायत से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस विभाग से SHO, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से कृषि अधिकारी और राजस्व विभाग के नायाब तहसीलदार आदि अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक करेंगी और पराली जलाने वालों पर भी निगरानी रखेंगी। इसके अलावा हरसेक के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी और पराली जलाने की घटनाओं पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।